हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं जिस मकान की साइज है 30 फीट बाई 45 फीट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी मकान की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारे पास है 30 फीट है। 30 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है और जो हमारी मकान की लेंथ है यहाँ पीछे से लेकर यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 45 फीट है। 45 फीट हमारे पास मकान की लंबाई है। तो 30 × 45 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा। तो चलिए इसके सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक छोटा सा मेन गेट लग जाएगा। इस मेन गेट से हम जैसे एंटर होते हैं तो ये हमारा आ रहा पोर्च और इस तरफ हमारा स्टेयरकेस है। यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 7 फीट का हमारे पास स्टेयरकेस का लैंडिंग है। तो इसके अंदर स्टेयरकेस है जो कि घर के बाहर की तरफ है, तो आप इसका 1 या 2 फ्लोर बनाकर रेंट के अनुसार भी आप दे सकते हो, ठीक है। अब पोर्च के जैसे सामने यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है घर का मेन डोर 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है जिसकी हमारे पास आई है 11 फीट बाई 12 फीट है। 11 बाई 12 का हमारा बेडरूम है जिसकी 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है और 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है जिसके हमारे पास आई है 5 फीट 3 इंच बाई 6 फीट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन है जिसके हमारे पास साइज है 10 फीट 3 इंच बाई 10 फीट है और इस किचन की 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। इस किचन से जैसे वापस बाहर आते हैं तो ये हमारे पास है दोस्तों डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 16 फीट 9 इंच है। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 16 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है जिसके हमारे पास आई है 11 फीट बाई 12 फीट है, जिसकी 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का तीसरा बेडरूम है जिसके हमारे पास आई है 11 फीट बाई 12 फीट है, जिसकी 1 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है और 1 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट है जिसके हमारे पास आई है 6 फीट बाई 7 फीट है। 6 बाई 7 का हमारा कॉमन टॉयलेट है जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का चौथा बेडरूम है जिसके हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी 1 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है और 1 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। 30 फीट बाई 45 फीट मकान की साइज है और यहाँ पर हमारा जैसे घर के मेन गेट से एंटर होते हैं तो स्टेयर कैस है, फिर यहाँ पर मेन डोर है, मेन डोर से एंटर होते हैं तो यहाँ पर डाइनिंग और लिविंग एरिया, किचन है, बेडरूम है, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट है, यहाँ पर बेडरूम है, कॉमन टॉयलेट है और बेडरूम है। तो टोटल 4 बेडरूम है और 2 टॉयलेट है, डाइनिंग और लिविंग एरिया, किचन है, स्टेयर कैस बाहर की तरफ से तेरे का। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।